एवन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। यह सेट वन है, इसके आगे और भी सीरीज आते रहेंगे। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कड़ी है। इसे आप बार बार देखें और अपनी तैयारी को नई गति दे। इसमें हम लोग जो है साइंस के तीनों भाग से प्रश्नों को शामिल किए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी अच्छे प्रश्न हैं चैप्टर वन से, उन सभी को जो है यहाँ कवर किया गया है। यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो बढ़िया सा तैयारी आपका हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अपनी इससे जो है आप तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितने तैयारी हो सका है अब तक, कितने प्रश्न आपको पता है, कितने प्रश्न नहीं पता है। जो भी आपको नए प्रश्न मिलेंगे उसको आप अपनी डायरी में नोट भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब संभव है? ऑप्शन ए में है एक, ऑप्शन बी में है दो, सी में है चार और डी में है अनंत। चलिए सोचकर जवाब दीजिए। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य देंगे। चलिए देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी सही है उनका सही हो जाएगा। याद रखेंगे तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु के जो है अनंत प्रतिबिंब संभव है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में है प्रोपेन, सी में है ब्यूटेन, डी में है पेंटेन। चलिए सोच कर जवाब दीजिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों का जो है ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव जो है ना ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि पेट्रोलियम गैस में जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे शॉर्टकट में LP गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? LP गैस। इसका जो है रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में ताप का अवशोषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है ऊष्मा क्षेपी, बी में है ऊष्मा शोषी, सी में है उदासीनीकरण और डी में है अपचयन। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ये जो हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का जो है, जिसमें ऊष्मा का जो है मतलब अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है अतः आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो अलग है कि अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, यही अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए में है लैक्टिक अम्ल, बी में है मेथेनोइक अम्ल, सी में है HCl अम्ल और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जवाब देते रहें, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में अपने जवाब अवश्य देंगे। चलिए देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया अम्ल आते, बैक्टीरिया मतलब या जीवाणु आते हैं उन सभी को मारने का कार्य कौन करती है? HCl अम्ल जो ही करती है। यह जो है हमारे पेट में पाया जाता है, यानी आमाशय में पूछे कौन अम्ल पाया जाता है तो HCl अम्ल ही पाया जाता है। यह जो है भोजन को पचाने का कार्य भी करते हैं। तो मनुष्य के आमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए में है इलियम, बी में है जेजुनम, सी में है ग्रहणी, डी में है ग्रसनी। चलिए सोच कर जवाब दीजिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम है छोटी लेकिन है बड़ी बड़ी। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछेगा ना, तो छोटी आंत बताइएगा। इसका जो है लंबाई लगभग लगभग 6 मीटर होता है और चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है।
यह जो है एक बेलनाकार रचना है। इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। चूँकि इसका पहला भाग ग्रहणी होता है, बिजला भाग जेजुनम कहलाता है और अंतिम भाग जो है इलियम है, जिसमें भोजन का अवशोषण होता है और संपूर्ण पाचन जो है उसके इलियम भाग में ही होते हैं अंतिम पाचन। तो इन सभी बातों को रखेंगे ध्यान, ताकि आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बने वो सब क्लियर होता चले। तो डिस्कशन भी सुनते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन हो गया, किसी यौगिक या तत्व से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, बी में है अवकरण, सी में है अपचयन और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। किसी भी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। चूँकि इसको हिंदी में जो है उपचयन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपचयन बोला जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट जो होगा ना वो कहलाएगा अवकरण। यानी किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण, या फिर उसको हिंदी में अपचयन बोला जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? हाइड्रोजन का निकलना जो इसमें आ जाएगा, तो हाइड्रोजन जब निकलता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या है? उपचयन है। चूँकि ऑप्शन में उपचयन न देकर क्या दे रखा है? ऑक्सीकरण ही दे दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो होश में रहेंगे, इन बातों को रखेंगे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दहन का अपोषक है? अ मतलब न, पोषक मतलब मदद करने वाला। कौन आग को जलने में सहायक नहीं करता है, सहायता नहीं करता है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है हाइड्रोजन और डी में है इनमें सभी। दहन का अपोषक मददगार नहीं है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी भी पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता है। इसीलिए जो है इसको सिलेंडरों में, छोटे छोटे सिलेंडरों में, हॉल में, मॉल में कहीं भी देखते होंगे, या छोटे गाड़ी महंगे महंगे गाड़ी में जो है सिलेंडर में इसको भर कर रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो है दहन, ऑक्सीजन का जो है रास्ता रोक देता है। अतः दहन का अपोषक पदार्थ कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? देखिएगा अभिसारी का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही जगह पर सिकोर देना, ठीक है, एक ही जगह पर मिला देना। मिलाने वाला यानी एक बिंदु पर मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को इसमें कौन मिला देता है? तो वह जो है आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अवतल दर्पण जो है अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अर्थात फोकस पर मिला देती है। तो आपके राइट आंसर अवतल दर्पण हो गए। अवतल दर्पण का एक और नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। अगला क्वेश्चन, जस्ट इसका अपोजिट जब होगा तो क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें कौन अप्रदीप्त वस्तु नहीं है, यानी किससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त में आपका टेबल, कुर्सी, दीवार, पेड़, वृक्ष, हम, आप, ये सब अप्रदीप्त हैं। और प्रदीप्त में कौन हो गया आप जानबे करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो है सूर्य, तारे, ये सब क्या होते हैं? प्रदीप्त होते हैं। तो कहता है कौन अप्रदीप्त नहीं है, मतलब कौन प्रदीप्त है? सूर्य, तारे, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए सोचकर, देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है प्रदीप्त वस्तु नहीं है, यह एक अप्रदीप्त होता है, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश की परावर्तित किरणों की वजह से ही यह जो है रात में, नाइट में चमकती हुई महसूस होती है। तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए में है नीला, बी में है पीला, सी में है हरा, डी में है नारंगी। यदि आपको जवाब पता है तो आप अपना जवाब, अपना राय हमें देते रहें। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब हम लोग जो है लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है
तो कॉपर सल्फेट का जो बिलियन होता है पहले नीला रंग का होता है, किस रंग का होता है, नीला रंग का। लेकिन जैसे ही लोहे की काठी डाला जाता है तो कुछ समय बाद जो है उसका नीला रंग गायब हो जाता है और वह हो जाता है हल्का सा हरा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा, याद रखेंगे हरा। तो जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो उस जलीय विलयन का रंग जो है हरा हो जाता है, ग्रीन रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है, आमाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है कार्डियक, बीच में है बी में है पाइलोरिक, सी में है फुंडिक, डी में नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीच का भाग जो है ना फुंडिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, फुंडिक भाग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएंगे। तो आमाशय का ध्यान दीजिए, यहाँ से आमाशय के तीन भाग होता है। इसका अगला भाग कार्डियक कहलाता है, पिछला भाग जो है ना पाइलोरिक भाग कहलाता है, जबकि बीचला भाग, बीच का भाग जो है फुंडिक भाग कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया जा रहा है तो कॉपर अलग हो गया और वहाँ जो है पानी बन गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में है उपचयन, बी में है आपका अपचयन, सी में है उदासीनीकरण और डी में है रेडॉक्स। चलिए सोच कर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन जो है क्या हो गया है, ऑक्सीजन निकल गया है। कॉपर सल्फेट से जो है ऑक्सीजन क्या हो गया है, निकल गया है। तो ऑक्सीजन निकला है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण। और अवकरण को क्या बोला जाता है, अपचयन भी बोला जाता है। अतः आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण। अवकरण को ही बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ आपके बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहणी किसका भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमने अभी भी बताया है आपको कि ग्रहणी जो है छोटी आंत का अगला भाग होता है, छोटी आंत हो जाएगा। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए में है उत्सर्जन से, बी में है परिवहन से, सी में है वाष्पोत्सर्जन से और डी में है प्रकाश संश्लेषण से। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण से प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण संभव है। हाँ, ना या कुछ नहीं कह सकते हैं आप। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण जो है नाइट में संभव नहीं है, रात में संभव नहीं है, दिन में ही होता है या कोई भी जो है प्रकाश की व्यवस्था करके ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल युक्त पत्ती पर आयोडीन का छिड़काव करने से उसका रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए में है हरा, बी में है नीला, सी में है लाल, डी में है पीला। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, आपको कह दें हम कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, नीला। तो क्लोरोफिल युक्त पत्ती पर आयोडीन का छिड़काव करने से उसका रंग जो है नीला हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गैस का रिसाव पता लगाने के लिए एलपी गैस अर्थात एलपीजी सिलेंडर में जो है क्या मिला दिया जाता है। ऑप्शन ए में है एसिटिलीन, बी में है एथिल मरकैप्टन, सी में है हेक्सेन, डी में है नन ऑफ दीज। यानी गैस का रिसाव पता करने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, एथिल मरकैप्टन। याद रखेंगे इसको, एथिल मरकैप्टन हो जाएंगे। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है रासायनिक फार्मूला C2H5 और उसके बाद SH होता है, इसका रासायनिक फार्मूला। तो इसको भी आप रखेंगे ध्यान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको बताया अभी अभी, तो इसका जो राइट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी, यह प्रकाश को फैला देता है, जबकि प्रकाश को सिकुड़ने का काम अवतल दर्पण कहती है। तो अवतल दर्पण को पूछेगा तो अभिसारी दर्पण कहेंगे, जबकि
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। आगे देखते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धन का मान कैसा होगा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों के इनमें से कोई नहीं। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ना तो नीचा भरे बनेगा, क्या बनेगा? नीचा भरे बनेगा, तो नीचे की चीज़ें क्या होती है? माइनस में होती है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस में। तो उल्टा प्रतिबिंब बनने की स्थिति में जो है आवर्धन का मान आपका क्या आएगा? माइनस में आएगा। और जब सीधा बनेगा तो सीधा बनता है ऊपर भरे, ऊपर की दूरी प्लस में होती है, तो सीधा होता है तो आवर्धन का मान आपका प्लस में आ जाएगा। तो होश में रहेंगे आप। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है उष्मा शोषी, बी में है उष्मा क्षेपी, डी में है उभयगामी और डी में है प्रतिस्थापन, सी में उभयगामी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना एक जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उष्मा क्षेपी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वह किस रंग की होती है, यानी कैसी होती है? ऑप्शन ए में है चमकीला उजला, बी में है पीला, सी में है नीला, डी में है एंटी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, चमकीला उजला। तो जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो है चमकीला उजला होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन पौधा पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए में है कैक्टस, बी में है चीड़, सी में है चंदन, डी में है अमरबेल। तो ये जो है अन्य पौधों की तरह भोजन नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पौधे के सहारे ही रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो आप अगल बगल में देखे भी होंगे तो ये पौधा जो है आपका अमरबेल है, याद रखेंगे। अमरबेल जो है लती की तरह होता है, यह किसी भी पौधे को पूरा एकदम ढक लेती है। अगला क्वेश्चन आ गया है, मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है पोषी, बी में सहजीवी, सी में अपघटक, डी में है एंटी। मृतजीवी, देखिए मृतजीवी जो है किसी भी मृत जो जीव होते हैं उसको सड़ाने गलाने का काम करती है, यानी तोड़ने का काम करती है, अतः इसे हम लोग अपघटक भी कहते हैं। अतः मृतजीवी का दूसरा नाम जो है अपघटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटक, ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नीम में कौन सजीव नहीं है? ऑप्शन ए में है हरे पौधे, बी में है कवक, सी में है गोबर छत्ता, डी में है संघनक। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। संघनक दरअसल कंप्यूटर का हिंदी नाम है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनक। तो यह तो मशीनरी चीज़ है, अतः यह सजीव नहीं है, बाकी जो भी है सब सजीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है किस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण की, बी में है अवतल दर्पण की, सी में है उत्तल दर्पण की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों प्लस। तो यहाँ आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के जो है ना, उत्तल दर्पण में दोनों इस साइड दाएँ साइड में होता है ना, तो दाएँ साइड की दूरी प्लस में होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या जो है क्या होती है? प्लस में होती है। तो आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, उत्तल दर्पण। वही माइनस कहेगा तो आप अवतल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों धन माइनस में होती है, यानी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों प्लस में अर्थात धनात्मक होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से लौटती है? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, या प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, या फिर ध्रुव से निकल जाती है, या वक्रता केंद्र से गुजर जाती है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, आपको कह दे कि प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो राइट आंसर जो है ए नंबर सही है। अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। जस्ट इसका अपोजिट बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इन दोनों को रखेंगे आप ध्यान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इन सभी दर्पणों से। तो इसके राइट आंसर आपको पता हो तो आप बताएंगे। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, काल्पनिक का मतलब हो गया सीधा। बड़ा और सीधा प्रतिबिंब जो है किस दर्पण से बनता है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से जो है आवर्धित
और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित के मतलब होता है बड़ा, ध्यान रखिएगा बड़ा प्रतिबिंब को ही आवर्धन यानी आवर्धित प्रतिबिंब बोला जाता है। काल्पनिक का मतलब हो गया सीधा प्रतिबिंब बनता होता है। ऐसा स्थिति किसमें संभव है? अवतल दर्पण में संभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए होश में जवाब दीजिए। देखिएगा विद्यार्थी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। तो ध्यान रखेंगे साथ साथ उपचयन को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का वियोग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब छोड़ा जाता है तब भी ऑक्सीकरण ही कहता है। एडजस्ट कर अपोजिट बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण। जबकि इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि आपको जो है ये सब नया नया बात लगे तो आप इसको कॉपी में अपने फेयर में इसको नोट कर लेंगे ताकि समय समय पर रिवाइज करते रहें और इस वीडियो को भी आप समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपका जो है नॉलेज अपडेट होते रहेगा और ये सब आप भूलेंगे ना, एकदम तेज बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है? ऑप्शन ए में है गैस की उत्पत्ति, बी में है रंग एवं ताप में परिवर्तन, सी में अवक्षेप का बढ़ना, डी में इनमें सभी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें सभी हो जाएंगे, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सामने है और जवाब देना आपको है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण, स्वपोषण, मृतजीवी या प्राणी संपोषी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? स्वपोषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। हरे पौधे में स्वपोषण विधि यानी ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबर छाता में कौन पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए में है परपोषण, बी में है स्वपोषण, सी में है मृतजीवी या डी में है प्राणी संपोषी। तो देखिएगा गोबर छाता जो है गोबर के आसपास में उगता है, यह इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यह जो है सड़े गले चीज़ों से ही भोजन प्राप्त करता है, अतः इसमें जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी। अगला देख लेते हैं। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम जो है एक प्राणी संपोषी जीव है। क्या हो जाएगा? प्राणी संपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है किस पथ पर? तो प्रकाश की किरण जो है प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखाओं पर गमन करती है। याद रखेंगे प्रकाश की किरण किस रेखाओं पर चलती है? सीधी रेखाओं पर, स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। अगला देखते हैं। अगला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल की कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके उत्तल हो जाएंगे। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा भी बनता है तो हमेशा काल्पनिक भी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? बिंब मतलब वस्तु, तो वस्तु जो है अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब के लोकेशन कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फोकस पर। कहाँ हो जाएगा? फोकस पर। इसको ध्यान रखेंगे जब वस्तु जो है, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है? ऑप्शन ए में है AgCl, दूसरा है AgI मतलब सिल्वर ब्रोम आयोडाइड, ऑप्शन ए में है सिल्वर क्लोराइड, बी में है सिल्वर आयोडाइड, सी में है सिल्वर ब्रोमाइड और डी में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी नंबर सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी AgBr, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, यह कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन सामने है उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण। बताइए अवकरण। देखिएगा सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है, जुटा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सही है, ऑक्सीकरण, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आगे देखेंगे
दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है द्वारक, बी में है फोकस दूरी, सी में है प्रधान अक्ष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वारक कहाएगा, याद रखेंगे द्वारक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, एक प्रकाशीय किरण, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है यानी आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? ये समतल दर्पण है, ये क्या हो गया, इस पर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट सीधे आ रही है, तो जानते हैं कि समतल दर्पण जो किरणें आती है वो उसी रास्ते पर क्या होती है, चल जाती है, तो कोण कुछ बन में नहीं किया, तो परावर्तन कोण जो है क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? -1, +1, +2 कि 0? तो समतल दर्पण का आवर्धन जो है +1 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो है ना अनंत माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तीव्र गति से यानी तेज गति से किस रंग में होता है? ऑप्शन ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है नीला, डी में है पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल, रेड रंग में जो है, रेड कलर में काफ़ी तेज गति से यह प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, मतलब वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं? ऑप्शन ए में श्वसन, बी में उत्सर्जन, सी में परिवहन, डी में प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा, श्वसन में तो ऑक्सीजन ले लेता है कौन, पेड़ पौधा, और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ देता है, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, ऑक्सीजन वो छोड़ देता है, और श्वसन तो उसका अलग प्रक्रिया हो जाएगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है अपना लेता है, वो अलग प्रोसेस है। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन भी बनता है, तो क्या करेंगे ऑक्सीजन का, वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। अगला देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो अंग कहेगा, तो अंग जो है पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जबकि अंगक रहता तो हरित लवक को अंगक कहते, क्या कहते हैं आप लोग, हरित लवक रहता हरित लवक को अंगक बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो ध्यान रखिएगा, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे, जबकि अंग कहेगा अंग, तो आप पता को ध्यान देंगे, पता कह रहे हैं, अरे यार गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा एक मिनट और जाइए, अंगक अंग कहेगा तो पतियों को अंग कहेंगे, जबकि अंगक कहेगा तो हरित लवक। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ऑक्सीजन, क्या बनता है, ऑक्सीजन। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 2, 3, 4 कि 5? तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे 4 गो हो जाएंगे, कौन कौन, तो जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 पदार्थों की मदद से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में धातु किस पर मुक्त होती है? ऑप्शन ए में है कैथोड, बी में है एनोड, सी में दोनों की नन ऑफ दीज। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, धातु जो है कैथोड पर मुक्त होती है, किस पर होती है, कैथोड, कैथोड का मतलब होता है प्लस को जो है कैथोड बोला जाता है, प्लस को यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा तो, कैथोड जो होता है प्लस को कैथोड बोला जाता है, जबकि माइनस को एनोड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनोड, प्लस चार्ज को जो है कैथोड बोलते हैं, जबकि माइनस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, कैथोड बोलते हैं प्लस को और माइनस बोलते हैं एनोड को। वैद्युत अपघटन क्रिया में जो है धातु जब भी मुक्त होता है प्लस अर्थात कैथोड पर मुक्त होती है, जबकि गैस जो होता है वो एनोड पर होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। लोहे में जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को जो है ना यह जो है संक्षारण का एक उदाहरण है, संक्षारण हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो चांदी पर जो है संक्षारण के फलस्वरूप वह जो है काला पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? अब मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला की मीथेन गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोयला होगा, कोयला बिना ज्वाला के जलता है, वह दहकता है ना एकदम डायरेक्ट, उसमें आग की लपटें नहीं होती है। अगला देखते हैं, अगला जो रिएक्शन देखकर समझकर बताइए कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि Fe के जो है Fe अल्मोनियम के साथ क्या हो गया है, Fe जो है अलग हो गया है, Fe अलग हो गया है और ऑक्सीजन जो है अल्मोनियम के साथ क्या हो गया है, विस्थापित हो गया है। तो यह जो है आपका
यानी अल्मोनियम जो है ना लोहा को विस्थापित कर दिया है और उसका स्थान पकड़ लिया, तो यह जो आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही, उसको अलग हटा दिया है और उसका स्थान पकड़ लिया। क्वेश्चन आ गया कि पौधों में ग्लूकोज का निर्माण किस विधि से होता है, किस विधि से होता है, तो पौधों में ग्लूकोज का निर्माण जो है प्रकाश संश्लेषण विधि से होता है। किस विधि से? प्रकाश संश्लेषण विधि से, पेड़ पौधा में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ किस स्तर की होती है, तो यह जो होती है आण्विक स्तर की होती है, बहुत सूक्ष्म स्तर की होती है, आण्विक स्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे के पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और वहाँ जो है वहीं पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें छिद्र के द्वारा वहाँ पे प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे है कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों का निर्माण नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों का नियंत्रण जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वार कोशिका। इसे हम लोग जो है गार्ड सेल्स ही बोलते हैं। तो पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले महीन छिद्र को रंध्र कहते हैं। रंध्र कब बंद होंगे, कब खुलेंगे, इस सब का जो है संचालन नियंत्रण द्वार कोशिका अर्थात गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीकारक होता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है कितना है, तो वायुमंडल में जो है 10,000 में 3 भाग जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन है 0.03%। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 0.03%, 10,000 में 3 भाग। तो ये हमने जो है प्रश्नों के जो है 60 प्रश्नों की सीरीज को देखे हैं। यह सीरीज आपको कैसे लगी आप हमको बताएंगे। यदि आप वीडियो जो है आप चाहते हैं थोड़ा और फास्ट पढ़ा दे तो वो भी अपना जो भी निजी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि थोड़ा आप फास्ट पढ़ाइए या फिर आपको डिस्कशन कुछ और ज़्यादा कराया जाए कि कम कराया जाए, इन जो भी राय हो आपका अपना ज़रूर देंगे। तो हमने ये जो है आपका 60 प्रश्नों की सीरीज को देख लिए हैं। अब जो है आपका इसका दूसरा सीरीज जल्द ही हम लाएंगे। उस तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।